मजेत ना? आज हम जमा चारों का मराठी का सबक फरक ओळखा ये बच्चों को समझाएंगे। आज अपन वर्ग चौथा याचा मराठी विषयातला धडा फरक ओळखा हे विद्यार्थ्यांना समजून सांगूया। या ठिकाणी आपण मुलांना निरीक्षण करायला शिकूया आणि परत विद्यार्थ्यांना लक्ष केंद्रितही करायला आपण या ठिकाणी त्यांना शिकूया। यहाँ पर हम बच्चों को मुशायरा करना सिखाएंगे और उसी के साथ साथ बच्चों को तवज्जो मरकूज करना भी हम यहाँ पे उन्हें सिखाएंगे। विद्यार्थी या ठिकाणी निरीक्षण करून आपल्याला सांगते की दिलेले जे चित्र आहे त्यांच्यामध्ये काय फरक आहे, त्याच्यामध्ये जे घटक आहे ते कोणते कोणते घटक आहे। हम बच्चों को ऐसे समझाएंगे कि वो खुद हमें बताएंगे कि जो तस्वीरें उन्हें दी है उनमें क्या क्या फर्क है और वो उसके जो अंदर बारीक बारीकियां हैं बच्चे उसको भी यहाँ पर समझेंगे। पर मुलामध्ये आपल्याला हस्ताक्षर बाबत जबाबदारी निर्माण करायची आहे। बच्चे जो खुशखती है ना उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमें हमारी जो खुशखती है उसको अच्छे से सुधारना है। या ठिकाणी आपण मुलांचा फक्त बौद्धिक विकास किंवा भाषा विकास बघणार नाही तर आपण त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होतो यावर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे। कारण NEP 2020 चे हेच आपल्याला समजून घ्यायचं आहे नियम। मी यहाँ पर बच्चों की सिर्फ सैनी तरक्की पर नहीं और सिर्फ जबानी तरक्की पर नहीं बल्कि उनकी मजमू तरक्की पर ध्यान देना है और हमारे NEP 2020 भी हमें यही कहता है। कारण हे जे धडा आहे खूप मजेशीर आहे तर आपण पण हसत खेळत या धडा विद्यार्थ्यांना शिकू। आम्ही हसते खेळते हुए बच्चों को हे सबक समजाते हैं। चला सुरू करूया हा धडा